दोस्तों मेरी उम्र है 57 इयर्स की और मेरे डैड जो हैं अभी कुछ एक महीनों के अंदर वो 92 इयर्स के होने वाले हैं। हिरन हार्टी हैं, फर्स्ट क्लास हैं। हमारे यहाँ पर कुछ एक सालों से एक बहुत मुश्किल आ रही थी, 3-4-5 सालों से, कि डैडी मुसलमानों को लेकर के बहुत ज़बरदस्त वॉलेंट हो रहे थे, गाली देना शुरू कर रहे थे, अब्यूज़ करना शुरू कर रहे थे। हमारे घर के अंदर एक मेड है टीना, बहुत अच्छी है, मेरी बेटी के बराबर है, हमारे यहाँ पर 13-14 साल से है। जब वो 18 साल की थी तब से हमारे यहाँ पर है। मम्मी की डेथ में उसने बहुत काम किया है। माँ रोती थी उसके लिए, बिल्कुल वो रोती थी अपनी बेटी की तरह जैसे होता है। तो अब उस लड़की को हम लोग कैसे घर से निकाल दें? डैडी कहते हैं पिछले कुछ एक सालों से कहना शुरू कर दिया, इसको निकालो, ये निकालो, ये मुसलमान है, ये निकालो, उसको निकालो। अच्छा मैं बताना भूल गया कि डैडी 92 ईयर्स के, वो देख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं, वो बोल भी बहुत अच्छा सकते हैं। हिरन हार्टी हैं, ठीक है, थोड़े फ्रेजल से हैं, थोड़े से कमजोर हैं, और साथ वो सुन नहीं सकते। तो क्या करते हैं, वो सारा दिन बेड के ऊपर बैठ करके टीवी को वॉच करते हैं और टीवी के अंदर वो न्यूज़ चैनल वॉच करते हैं, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से लेकर सुबह तक वो सारा दिन टीवी देख। कुछ एक हफ्तों पहले हमारे यहाँ पर एक चांस इंसिडेंट हुआ और वो जब मुश्किल थी 4-5-6 साल से, हमारे यहाँ पर वो सारी प्रॉब्लम एकदम खत्म हो गई। जानते हैं आप, मेरे ख्याल से गेस कर चुके होंगे। फौरन वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए और अपना गेस नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए कि क्या आपने गेस किया, वो चांस इंसिडेंट क्या हुआ जिसके कारण से आज हमारे घर में रामराज है, टीना भी है, पापा बहुत अच्छे हैं और पापा अब टीना को या किसी मुसलमान को कोई गाली कोई कुछ नहीं कहते, हमारे घर में रामराज है। जानते क्या हुआ, गेस कर लिया आप लोगों ने? जी हाँ, हमारे यहाँ पर 2 दिन के लिए एकदम टाटा स्काई खत्म हो गई। टाटा स्काई खत्म होते ही 2 दिन के बाद जब हम लोगों ने टाटा स्काई लगाया तो इंसिडेंटली हम लोगों ने जो चैनल थे उनके, वो जो जी टीवी था, वो जो एबीपी न्यूज था, वो जो इंडिया टीवी था, वो जो आज तक था, उसकी जगह पर हम लोगों ने चैनल लगा दिए एनडीटीवी और बीबीसी न्यूज। और तब से कुछ एक हफ्ते गुजर चुके हैं, किसी भी दिन कोई लड़ाई नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, पापा बहुत शांत है और पापा अब भी उसको अब वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे पहले ट्रीट किया करते थे बेटी की। आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर ये लिंचिंग्स हो रही हैं, ये गाली ग्लौच हो रही है, क्यों हो रही है? इस मीडिया के कारण से। सिर्फ आपको करना क्या है, यूं करके अपने मोबाइल के अंदर अपने चैनल को यूं करके चेंज कर दो, वो सारे के सारे चैनल जहां पर ये हिंदू मुस्लिम होता है उसको अगर आप इतना करके चेंज कर दोगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इट्स सो ईजी। मैं आपको दिखाऊं, लेके चलूं डैडी के रूम के अंदर, चलिए आइए चलते हैं। ये है मेरे डैडी जो इस समय टीवी वॉच कर रहे हैं, ये है वो चैनल जो इस समय वॉच करते हैं और ये है वो चैनल जिसको ये पहले वॉच करते थे।